तो गाइस एक रोमांटिक कोरियन मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है लव अगेन। इसे देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 घंटे का समय देना पड़ता है और इसकी हिंदी डबिंग काफ़ी बढ़िया की गई है। और चाहे तो आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं, कुछ भी गंदा नहीं है, सिर्फ आपको बिकनी उकनी देखने को मिल सकता है। इतना चलेगा तो फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया तो हो कि कहानी आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो गाइस इसमें हमारे हीरो और हीरोइन को दिखाया गया है। फिल्म के शुरुआत में उनका डाइवोर्स हो जाता है, तो डाइवोर्स के बाद फिर उनके बीच प्यार मोहब्बत कैसे शुरू होता है और इस बीच आपको कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता है, यही सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस कहानी बहुत ही सिंपल है। इस तरह कहानी आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। यदि आप फिल्म देखते होंगे और खासकर कोरियन मूवी देखते होंगे तो इस तरह की कहानी आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो कहानी में तो आपको कुछ भी नयापन देखने को नहीं मिलता है, तब भी इस फिल्म को देखने में मजा आता है। फिल्म आपको इंजॉय दिलाती है, आप फिल्म से इंजॉयमेंट लेते हैं। यदि आपको रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी देखना पसंद है तो डेफिनेटली ये फिल्म आपको पसंद आएगी। फिल्म अच्छी है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बस ठीक ठाक आपका इंजॉयमेंट दिला देती है। आप इस फिल्म को देखकर एंजॉय करते हैं। मेकर्स ने फिल्म को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और जिस तरह से इस फिल्म में कॉमेडी को यूज किया गया है आपको हंसी आएगी। कुछ भी जबरदस्ती का नहीं घुसाया गया है। आप जब उस कॉमेडी को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी और रोमांटिक चीजों को भी अच्छे से इसमें दिखाया गया है। इंटरेस्ट बना रहता है फिल्म के अंदर। परफॉर्मेंस की बात करो तो सभी ने लाजवाब एक्टिंग की है। खासकर जो हीरोइन है उसने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और बाकी कैरेक्टर्स ने भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। पर खासकर आपको जो हीरोइन का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। प्रोडक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। मस्त सिनेमेटोग्राफी फिल्म को अच्छे से शूट किया गया है। BGM आपको अच्छा सुनने को मिलता है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, यदि आपको रोमांटिक कॉमेडी कोरियन मूवी देखना पसंद है तो डेफिनेटली इस फिल्म को देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन को कम कर लेना, उसके बाद इस फिल्म को देख सकते हैं, इंजॉय करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, उसमें आपको बिकनी उकनी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। इतना चलेगा तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम।